यहाँ पे कहा जा रहा है जाके अपने घरों में काम करो, ये शर्म की बात है एक स्टूडेंट को ये कहना। स्टूडेंट का चेहरे से अश्लील क्यों, तो हम घर वालों का फेस नहीं कर सकते। हम कुछ मैं साउथ डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ, साउथ बड़गाम से खंडवाड़ा से। नाजरीन आप देख रहे हैं कशर दास्तान न्यूज नेटवर्क आसपा बशीर के साथ। नजर मोहतरम इस वक्त हम मौजूद है बागात में। जी नजर मोहतरम, यहाँ पे बोपी है, कह सकती हूँ यहाँ पे बहुत तादाद में स्टूडेंट्स आए हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी, जरा मेहरबानी करके आप कैमरा घुमाइए। सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे के सारे कश्मीरी यूथ है, कश्मीर का यूथ है, कश्मीर का फ्यूचर है। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से बच्चों में, यहाँ के स्टूडेंट्स में एग्रेशन है। क्या मसला हुआ है, आप लोग क्यों इतना एग्रेसिव है? मैम एग्रेसिव इसलिए हुए क्योंकि आज हमें काउंसलिंग करनी थी, लास्ट डे था आज काउंसलिंग का, थर्ड राउंड का। लेकिन 35 से 25 तक जितने भी बच्चे थे उनको आज काउंसलिंग करनी थी यहाँ पे। सो इन ये डालते हैं नोटिफिकेशन 11:30 बजे रात के 12 बजे कौन इनकी नोटिफिकेशन देखेगा? अब हमें सुबह घर से निकलना होता है सवेरे, अब हम रात को मत बैठेंगे जागे हुए कि इनकी नोटिफिकेशन देखे। इतना मसला इतना क्या है, हम भी इंसान है, ये भी इंसान है। 12:30 कौन, 11:30-12 बजे कौन नोटिफिकेशन निकालता है? अगर निकालना ही था सीट मैट्रिक्स 10 बजे निकालते, 9 बजे निकालते, तब जाके हम भी देखते। 12 बजे निकालते हैं सीट मैट्रिक्स और अपने नोटिफिकेशन निकाली थी इन्होंने। अब जब हम साउथ से आते हैं, आधे आधे इधर नॉर्थ से आते हैं, सेंट्रल से आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, लेकिन आज बस हमें इतनी सी डिमांड है इनसे कि अगर 35 से 25 तक जो भी बच्चे हैं उनको सीट देनी दे दो। क्योंकि अगर आपने 45 से कट ऑफ 25 तक लिया था तो वो सीटें किधर गई फिर? अगर आपको ये पता होनी, मतलब इनको तो लाजमी पता होती है ना ये कि 45 से 25 तक बच्चे जो भी सीटें हैं ये इन तक फिल हो जाएंगी। जिस वक्त हमने इनके स्टाफ से कोऑपरेशन करना चाहा, इन्होंने हमें पुलिस से बुला के बाहर निकलवाया और बोला जाके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो, वहाँ पे आपकी सीट्स अलॉट है। इनके बगैर हम कैसे जाएंगे? तो इनको पहले ही बोलना चाहिए था ना एग्जाम में, तो हम ऐसे ही जाते प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते वहीं पे। ऐसे नहीं बोल सकते, एग्जाम देना जरूरी था, हमें काउंसलिंग करने जरूरी आना था। अगर इनको काउंसलिंग नहीं करानी थी, कल शाम को एप्लीकेशन निकालते, नोटिफिकेशन निकालते, हम आते ही नहीं ये काउंसलिंग अटेंड करने। 12:30 कौन से एप्लीकेशन नोट्स निकालते हैं? 12:30 कौन देखता है? सुबह 5 बजे साउथ वाले 5 बजे सुबह घर से निकले हैं, हम घर वालों को क्या जवाब दें? हमारे घर वाले समझते हैं शायद ये घूमने जाते हैं, वो मत हमको घर वालों को बोल सकते हैं कि हमारी क्या टेंशन है? इधर कौन सी टेंशन उठाई है इन लोगों ने हमारी? बड़गाम के जो बच्चे हैं इनका आपने जो लिस्ट इन लोगों से मांगा था, लिस्ट आपको प्रोवाइड किया गया? लिस्ट हमें प्रोवाइड नहीं किया। इन्होंने हमें सुबह सीधे बोला, अगर इनको काउंसलिंग नहीं करनी थी इनको कल ही बोलना था कि नहीं आना। कि जो लिस्ट है जो आप इनसे मांग रहे हैं, आपको वो लिस्ट प्रोवाइड किया इन्होंने? मैम प्रोवाइड किया गया था, लेकिन 12 बजे कौन देखता लिस्ट में? हम सब सुबह 4 बजे उठना पड़ता है, साउथ वालों को, नॉर्थ वालों को 4 बजे उठना पड़ता है, सेंटर वालों को सुबह सवेरे उठना पड़ता है, बेचारों को कहां से कौन लिस्ट देखता? हम बस ये चाहते हैं अगर इनको पता थी कि 45 से 35 तक की सीट्स फुल हो जाएंगी जो यहां तक रैंक थी, जहां रैंक में बच्चे फॉल करते हैं, तो फिर इतना कट ऑफ क्यों करना था कि 25 कट ऑफ हो चुका? 25 कट ऑफ हुआ मैम, तो वो इनको पता होनी चाहिए ना कि 25 तक कट ऑफ होगा, इतनी सीट्स है हमारे पास, पैरामेडिकल हो चाहे बेसिक नर्सिंग हो, तो इतनी है ना कि इतनी पता थी इनको कि सीटें कहां तक फिल हो जाएंगी। अगर होगी फिर से, अगर होनी थी 35 तक ही फिल, तो क्यों नहीं 35 तक कट ऑफ किया इन्होंने? क्यों इन्होंने 25 तक लिया हमें? आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या चाहते हैं? अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से बस इतना चाहते हैं, एक तो इन्होंने चलो कल रात के 12 बजे लिस्ट निकाला, सुबह हमें बोल रहे हैं कि हमने लिस्ट निकाला था, वो बात तो गलत है। अब हमें बस इतना चाहिए 35 से जितने भी बच्चे हैं 25 तक, इनको बोलिए कहां से ये सीटें कहां से लाएंगे अब 25 तक? जो ओपी मिनट कोई भी कैटेगरी हमें सीट चाहिए 25 तक, इनको पता था ना हमें सीट चाहिए 25 तक, जो भी प्राइवेट हो या कोई भी हो, वी वोट। क्या क्वालिफिकेशन है आप? मैम हमने किया है 12th पास, अब हम कॉलेज में भी पढ़ाई कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है ना हम करेंगे अपनी जिंदगी खराब। हम इसलिए यहाँ के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में शिरकत कर रहे हैं कि ताकि हमें मिलेंगी सीट्स और हम कोई प्रोफेशनल कोर्स करें।
इसके ये अभी हमें कह रहे हैं कि जाओ ये करो कैश बना तो गो तो गो प्राइवेट कॉलेज में तीस मैं कि कैसे ऐसी कैश बनान कह जन कि मिडिल क्लास ऐसी कह लॉयल तह वन तम हेकन हेत सीट कह हफोर्ड कर मतलब मैं कि वह सीधे ना कर नीरू तुम गुजर अस दिमो सीट क्योंद कर वन जवाब ना दिमो सीट कहीं नीरू गु गर छोट कह जहर खुद तो मकलाओ पान ताकि हम घर वालों का फेस नहीं कर सकते हमको मैम यही बात मैंने भी बोली थी अभी अगर ये बोल रहे हैं हमें अभी इन्होंने बोला था उधर कि वो तुक्का ही है समझो आप वो तुक्का है क्योंकि हंड्रेड जिन जिन बच्चों ने एडमिशन किया है मतलब काउंसलिंग की है वो मत सीटें छोड़ेंगे माना मैंने 50 सीटें छोड़ेंगी मतलब सॉरी 5 सीटें हो जाएंगी एक कॉलेज में मतलब किसी में 100 सीटें हैं उसमें 95 जाएंगे पांच बच्चे हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं पांच ही बच्चे यहाँ पर तो 500 तक है ना 300 350 तक है लेकिन ऐसे नहीं ये बोल रहे हैं अब हमें प्रोविजनल एडमिशन करके रखो कॉलेज में जाओ उधर उनको बोलो ये लो हमारे प्रोविजनल फॉर्म उनको फिल करके दो फिर जब उनको शॉर्ट फॉल निकलेगा वो भी 27 तारीख तक आएगा वो सब प्रोसेस हो चलेगा फिर 27 के बाद हमें शॉर्ट फॉल देखना है फिर उधर जाना है वो हमें कॉल करेंगे वो कि हमारे बाप की नौकर है कॉलेज वाले हमें उधर से फोन करेंगे आ जाओ बच्चों इधर हमने आपके लिए सीट निकाली है आप आ जाओ ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होना है मैम इन्होंने साल हमारे एक तो जाया हो गए किसी के 2 साल किसी के 3 साल वो छोड़िए आप हमें ये बोल रहे हैं वहाँ पे आप घर जाओ आप घर में कुछ काम करो फिर और जब हम बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टाफ अंदर हंस रहा था स्टाफ हंस रहा था हम पे हंस रहा था फिर पुलिस को बुलाया हमें धक्के मार के बाहर निकाला मैम 3 साल 4 साल किसी के 3 साल किसी के 2 साल किसी के 1 साल हो गए इस एग्जाम के साथ अब इस टाइम 1500 सीट्स का है 1300 सीट्स का है वो तो है ही नहीं हमें सीट अलॉटमेंट लिस्ट चाहिए हमें देखने किस कॉलेज में कितनी सीट्स अलॉट हुए और हमारे मैम इनको अगर पता था ना कि सीट्स नहीं है इन्होंने 30 to 25 तक कैसे कट ऑफ रखा था इनको तो पता था सीट्स कितनी अवेलेबल है इनको इतना कम कट ऑफ तो नहीं रखना था 2 दिन हमें हो गए यहाँ आए हुए मैम इतने पेरेंट्स हर रोज बोलते कहाँ जाना है काउंसलिंग तो यहाँ पे हमें अंदर ही नहीं दे रहे जाने इनसे तो पूछ रहे ना इसलिए हम चाहते हैं कि हमें सीट्स मिले हमें एडमिशन मिले और हमें गारंटी दे और हमें गारंटी दे हमें किसी कॉलेज में एडमिशन मिले कहा जा रहा है जाके अपने घरों में काम करो ये शर्म की बात है एक स्टूडेंट को ये कहना पहले ये खुद जाके क्यों नहीं करते आज नाजर मोहतरम इस वक्त हम बागात में हैं यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनका ख्वाब होता है कोई मिडिल क्लास फैमिली से मुझे लगता है यहाँ पे हर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है ना कोई हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करता है बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास से नीचे बिलोंग करते हैं स्टूडेंट है स्टूडेंट का मुस्तकबिल खराब हो रहा है जब यहाँ पे हाल ही में आपने देखा होगा जब वोटिंग थी आप लोगों ने वोट कास्ट किया था किस लिए किया था फॉर योर बेटरमेंट फॉर योर बेटर फ्यूचर उनका मैनिफेस्टो क्या था कि हम अनएम्प्लॉय जो जितना भी जो यूथ है अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करेंगे यहाँ पे एलिगेशन बोपी पे इस वक्त लग रही है आने वाले इस वीडियो के बाद एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे जो ये बच्चे एलिगेशन लगा रहे हैं जो यहाँ के स्टूडेंट्स एलिगेशन लगा रहे हैं हमारे साथ इनजस्टिस हुआ किस हद तक सही है और क्यों है ऐसा क्यों हुआ है आप देखते रहे कौशल दासा न्यूज़ नेटवर्क वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दीजिए इजाज़त अस्सलाम वालेकुम।